ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या होती है जिसके जिन संख्याओं के दो से अधिक, क्या बोल रहा हूं मैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। होते हैं तो वह संख्या, ठीक है, तो वे संख्याएं ठीक है भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है बेटा, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दो से अधिक गुणनखंड का मतलब दो से ज्यादा टेबल में आता हो, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं 6, 12 हम 6 ही ले रहे हैं, लेकिन देखो 6 एक के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा और 6 के पहाड़े में भी आएगा, तो 2 से ज्यादा हो गया ना, ठीक है। 4 है, ठीक है, 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा और 4 के पहाड़े में आएगा, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, ये है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, जो संख्याएं भैया फिर जिन संख्याओं के केवल, ठीक है, केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। क्या है, होते हैं, कौन कौन से, एक तो, ठीक है, एक तो होगा एक, ठीक है, और ठीक है दूसरा हो वह स्वयं, ठीक है, मतलब खुद। 7 जो है, 7, ठीक है, या तो वो एक के पहाड़े में आएगा या फिर 7 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। और किसी पहाड़े में आता है 2, या तो एक के पहाड़े में आएगा या 2 के पहाड़े में आएगा, 3 एक के पहाड़े में आएगा या 3 के पहाड़े में आएगा, ठीक है, और किसी के पहाड़े में ये नहीं आते। अगर आपसे पूछा जाए लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है बेटा जी 2। क्या होती है, 2, क्योंकि देखो एक जो है बेटा ना ही तो वो भाज्य संख्या है ना ही वो अभाज्य संख्या है। क्या, एक ना ही तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या में बोला गया है कि कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक तो एक हो गया स्वयं और एक हो गया वो खुद, ठीक है, मतलब एक और एक वो खुद, ठीक है, 2 गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन एक का सिर्फ एक ही, 2 को एक से ही तो जाता है, दूसरा कोई है ही नहीं, ठीक है, और इधर 2 से ज्यादा चाहिए, वहां यहां तो और भी ज्यादा चाहिए, तो ठीक है, तो भाज्य संख्या वो वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो जो एक है ना ही तो वो भाज्य संख्या में काउंट होगी ना ही वो अभाज्य संख्या में गिनी जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो बार बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है, अगर आप कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम दोगे, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो वहां पर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, 2, ठीक है, वहां पर एक नहीं लगाने का है, ठीक है। चलो आगे चले, चलो नोट कर लो इसको, चलो।